नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम आपके लिए आज लेके आए हैं सी टेट की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें हम आपको सी टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि कम समय में आपको 120 प्लस नंबर के आपको लेके कैसे आने हैं, और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और पेपर वन में और पेपर टू में आपको कैसे करना है, और आपको कुछ मूल मंत्र बताए जाएंगे कि जो आपके लिए क्या है एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। कम टाइम में आप क्या है एग्जाम इजीली क्या है क्वालिफाइड कर जाओगे, और अच्छे नंबर के साथ। देखो मेन बात यह है कि 120 प्लस नंबर आपको क्यों बताया गया है, क्योंकि देखो जो अगर आप अच्छे के लिए पढ़ते हो, तो आपको जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं आपके DSSB KVS में, तो वहां आपकी क्या है बच्चों मदद मिल जाएगी। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपका क्या है एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। जो आपका एग्जाम का मोड होने वाला है क्या बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBT आपका रहेगा। टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपकी क्या लगभग 150 मिनट, जो कि आपका 2 घंटे 30 मिनट रहेगी, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन की टाइप रहेगी वो क्या है MCQ, जिसको आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन बोलते हो, MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 150, 150, ठीक है। और आपका जो टोटल मार्क्स है 150 नंबर के आपका क्या है क्वेश्चन है, 150 नंबर आपके क्या है फुल कंप्लीट टेस्ट है, जो एक नंबर का क्या आपका एक क्वेश्चन होगा, एक नंबर आपका क्या है बच्चों आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होती, ठीक है। और आपका जो मार्किंग स्कीम है वो एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और जो आपको देखते हो कि आपका जो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, कुछ बच्चों का उसमें भी क्या है छूट जाता है। अब आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हम आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी बताएंगे, कैसे क्या करना है। कंप्लीट वीडियो देखना आप लास्ट तक, आपको हेल्पफुल लगेगी, 100% हेल्पफुल लगेगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है सबसे पहले आपका, आप सिंपल सी बात, अगर आप बीएड वाले बच्चे हो, बीएड वाले स्टूडेंट हो आप, तो आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए एलिजिबल हो। अब आप देखते हो एक चीज, इसमें CDP जो आपका क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पेडोगोजी, ठीक है, आपका जो 30 नंबर की यहाँ पेपर वन में भी आएगी, और आपका क्या है और आपके पेपर टू में भी आएगी, ये आपका कॉमन है। लैंग्वेज वन आपका क्या है 30 नंबर की इसमें आएगी, और लैंग्वेज वन 30 नंबर की पेपर टू में भी आएगी, और लैंग्वेज टू आपकी पेपर वन में भी आएगी और पेपर टू में भी आएगी। लैंग्वेज वाली सिंपल सी बात है, जो आपकी अच्छी क्या है जिस लैंग्वेज पे कमांड हो अच्छी, सिंपल सी बात है, काफी बच्चों की हिंदी या इंग्लिश ही रहेगी, तो हिंदी इंग्लिश में कैसे क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। आपने अगर मानते हैं किसी बच्चे ने लैंग्वेज वन आपकी हिंदी मानी है, और लैंग्वेज टू आपकी मानी है, आपने मानी है इंग्लिश, ठीक है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कंप्लीट कैसे क्या करना है। आप लास्ट तक वीडियो देखो, कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाओगे आप। और जो आपका इसमें बस आपका चेंज होता है क्या, पेपर वन में मैथमेटिक आता है आपका 30 क्वेश्चन, और एनवायरमेंट के EVS वाले जो आप बोलते हो EVS एनवायरमेंट स्टडीज, कि आपके क्या है 30 नंबर की आएगी आपकी, ठीक है। अब आपका जो पेपर वन में चेंज होगा तो सिर्फ यहाँ होगा, और आपका पेपर टू कुछ बच्चे मैथ साइंस वाले होंगे, कुछ SST वाले होंगे, और कुछ सोशल साइंस, ठीक है। SST को ही आप सोशल साइंस और सोशल स्टडीज बोलते हो, और मैथमेटिक वाले ये आपका क्या है पर्सनल सब्जेक्ट है, जो आपने पसंद किया है बीएड करते टाइम चूज किया होगा, और उसी में क्या आप एग्जाम दोगे। EVS बहुत ही इजी है, और कैसे पढ़ना है आपको कंप्लीट बिल्कुल डिटेल दे दी जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सी टेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस था, जो हमने आपको सिलेबस बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता होता, थोड़ा सी टेट के सिलेबस में कंफ्यूज होते हैं पेपर वन पेपर टू। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपका सिंपल सी बात है, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, पेपर वन को आप अगर फील करते हो तो आपको 1000 देने होंगे, और पेपर दोनों आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो तो आपको 1200 देने हैं। जो आप SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और डिफरेंट एबल्ड हो आप, तो पेपर वन के लिए तो आपको देना है 500 रुपये, और पेपर वन और टू के लिए आपको देना 600 रुपये। अगर आप पेपर दोनों दे सकते हो तो आप दोनों के लिए भरो, क्योंकि आपको 200 रुपये में क्या आप दोनों एग्जाम दे जाओगे, मतलब 1000 में एक तो दो ही दोगे, और 200 रुपये ऐड करके क्या आपका 1200 में कंप्लीट दोनों एग्जाम दे जाओगे। अब रहती है आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। सिंपल सी बात क्या है, आपको जो इंग्लिश और जो आपका पेपर लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, आपका जो लैंग्वेज वन है और लैंग्वेज टू है, लैंग्वेज वन आपकी अगर हिंदी है और लैंग्वेज टू आपकी इंग्लिश है, ठीक है,
आपको सबसे पहले तो अगर आप इस चीज को भी छोड़ो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवीपीवाई क्या हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप मार्केट में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या है खरीदने ही पड़ेंगे, या ऑनलाइन आप देखना किसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए तो आप सीबीएसई की ओरिजिनल जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आप क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको कंप्लीट विद सॉल्यूशन क्या है पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। देखो अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने होते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का क्या फायदा है, क्योंकि आपने देखा है आप प्रैक्टिस सेट जब लगाओगे तो सी टेट क्या है रिपीट करता है, आपके क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे और आपको क्वेश्चन लगाने का क्या अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन लगाने का अंदाजा 100% मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाते हो तो क्वालिफाइड 90+ नंबर तो इजीली लेके आओगे ही लाओगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो 90+ क्वेश्चन आप ले आओगे, अभी भी आपके पास टाइम है। अब बात रहती है 90, हमें 120+ कैसे लेके आने हैं। ठीक है, अब इसमें कंटेंट प्लस पेडोलॉजी क्या है, आपका कंटेंट में क्या है, आपका कुछ तो पैडोलॉजी आपका मान लो लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज वन में क्या है आपका कंटेंट जो आपकी हिंदी है, हिंदी में जैसे आपकी संज्ञा सवर्नाम विशेषण ये आपके क्या है इसमें आपको पूछे जाएंगे। और इसमें आपका हिंदी में क्या आएगा गद्यांश पद्यांश आएंगे, गद्यांश और आपके आएंगे पद्यांश। ठीक है, और ये आपके इसमें पैराग्राफ आ जाएगा जिसको आप पैसेज बोल लो। इसमें आपका क्या रहेगा कंटेंट में आपका 15 नंबर का तो कंटेंट रहेगा और 20-15 नंबर की रहेगी पैडागोजी। ठीक है, आप या इसमें आपका रहेगा 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की पैडागोजी, आपका ये रहने वाला है, ऐसा कुछ रहेगा। क्योंकि पिछले साल जब एग्जाम हुआ था तो उसमें 20-10 वाला आपको रेशो मिला था, 2-3 क्वेश्चन में मिलेगा, आपका मेन है ये 15-15 रहेगा ही रहेगा। आपका इसमें 15 नंबर क्या है, 15 नंबर के आपके क्या है पैराग्राफ गद्यांश पद्यांश आ ही जाएंगे, 15 नंबर के आपके गद्यांश आएंगे जो क्या है बिल्कुल नकल मार के आपके क्वेश्चन इजिली क्या है ठीक होने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ग्रामर पढ़ते हो तो ग्रामर में पढ़ना क्या है वो आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा क्या पढ़ना है। गद्यांश पद्यांश क्या है आपके 15 नंबर के तो गद्यांश पद्यांश आ जाएंगे, और यहाँ पैसेज जो आपका आएगा लैंग्वेज टू में 15 नंबर का तो आपका क्या है पैसेज ही आ जाएगा जो बहुत ही इजी रहने वाला है। 15-15 तो आपके 30 नंबर तो फ्री के ये मिल जाएंगे जो आपको नकल मार के करना है। ठीक है, अब आपको करना कैसे क्या है आगे बताते हैं आपको। जैसे आपका सीडीपी है थोड़ा सीडीपी का रहेगा, आपको सीडीपी में जो चीज पूछने हैं और जो आपको पढ़ना है और जो बार बार पूछे गए हैं सिर्फ वही पढ़ना है, ज्यादा अभी आपके पास टाइम नहीं है और ना ही ज्यादा पढ़ना है। आपको पता है जीन प्याजे ये आपको हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, जीन प्याजे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका लॉरेंस कोलबर्ग ये पढ़ना पड़ेगा और लीव वेगास्टे ये पढ़ना पड़ेगा और ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये आपको ये अगर 4% भी पढ़ जाते हो तो आपकी सीडीपी में क्या है 50% आप क्वेश्चन कर लोगे ही करोगे। इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते हैं, टॉपिक क्या बनते हैं टॉपिक डेवलपमेंट इंटेलिजेंस लर्निंग चाइल्ड कंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन असेसमेंट एवेल्युएशन टीचिंग मेथड सोशलाइजेशन आपको एनवायरमेंट मोटिवेशन थिंकिंग जेंडर इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर आप ये सब पढ़ते हो तो सीडीपी में आप 90% स्कोर कर दोगे, मतलब 30 में से आप 27 नंबर ले जाओगे। सिर्फ आपको टू द पॉइंट वाली चीजें पढ़नी है सीडीपी में, तो ये पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट और कुछ नहीं है। आपको ये पॉइंट आपको सिर्फ टू द पॉइंट बताए गए हैं, इसीलिए तो आपके 120, अगर देखो 27 नंबर आप यहां ले जाओगे और 30 नंबर मैंने आपको 57 पहले ही बता दिए हैं जो आपको नकल मार के लेने हैं वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सीडीपी का आपका कंप्लीट होता है। अब आती है बच्चे आपकी ईवीएस एसएसटी और साइंस कहाँ से पढ़नी है। अगर देखो आप सबसे पहले तो आपको करना है ईवीएस एसएसटी में और साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो क्योंकि ये आपका क्या है आपका ईवीएस और एसएसटी और साइंस साइंस आपके 60 नंबर के तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो 60 में से आप 30 से 40 नंबर ले जाओ। अगर आपको लेने हैं ज्यादा नंबर तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा जो बार बार काफी टीचरों से आपने सुना भी होगा, एनसीईआरटी पढ़ो 6ठी से लेके 8th क्लास तक। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का क्या फायदा है, अगर आने वाले टाइम में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो डीएसएसबी में भी आपकी हेल्प होगी
और केवीएस में भी आपकी हेल्प होगी, और जो भी टीचिंग आपके टेट के एग्जाम होंगे उसमें भी क्या आपको हेल्प मिल जाएंगी कोई भी आपका टीचर का, अगर आप सी टेट में एलिजिबल माने जाते हो तो। उसके लिए देखो आपकी पहले से ही तैयारी हो जाएगी और उसमें एग्जाम में कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, तो बेटर है अभी से आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि बाद में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर ये क्वालिफाई भी कर जाते हो। आपका मैथ है, मैथ में आपको अभी आपके पास कम टाइम है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर ही सजेस्ट करूंगा, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं मैथ में, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है, ठीक है। मैथ में प्रीवियस ईयर पढ़ोगे आपका आराम से क्या है 70% के आसपास आप क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। अगर फिर भी किसी को अगर पढ़ना है तो भैया इसकी एनसीईआरटी कर लो आप, एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास, पर अभी मत करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस टाइम आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसमें आपका मैथ का काम चल जाएगा और उसमें आपको थोड़ा अंदाजा भी लग जाएगा कि एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे करने हैं, ठीक है। आपका इसमें आपके अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में आप क्या है आराम से 20 से 25 क्वेश्चन आप ठीक कर जाओगे। अब आपकी आती है लैंग्वेज वन, लैंग्वेज वन आपकी हिंदी और लैंग्वेज टू आपकी क्या है इंग्लिश, जो आपके इसमें क्या है गद्यांश, आपके गद्यांश और पद्यांश, जो आपके 15 नंबर के तो क्या आएंगे आपके गद्यांश और 15 नंबर के आपके आ जाएंगे, आपके गद्यांश और पद्यांश के आ जाएंगे 15 नंबर के, और जो इसमें आपका क्या है पैडागोगी, जो मतलब आपको संज्ञा सवर्नाम विशेषण वो मैंने आपको बताया था वो चीजें आएंगी, बिल्कुल सिंपल ग्रामर आएगी आपको, बिल्कुल बेसिक ग्रामर पढ़नी है, ज्यादा हाई लेवल की ग्रामर नहीं पढ़नी है, किसी भी आप 6ठी से 7वीं 8वीं बच्चे की बुक उठाना वहां से आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। और आपका इंग्लिश में क्या रहेगा, आपका इंग्लिश में पैसेज यहां लिख देते हैं वहां दिखाई नहीं देगा, इंग्लिश में आपका पैसेज आएंगे क्या 15 नंबर के, आपके 15 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल देख के नकल मारना है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल देख के नकल मारना है 15, और सिंपल ग्रामर आपकी, सिंपल ग्रामर यहां भी सिंपल ग्रामर रहने वाली है, सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी, सिंपल ग्रामर के 15 क्वेश्चन, 15 आपकी पैसेज आएंगे और 15 आपकी क्या है सिंपल ग्रामर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी आपकी, बच्चे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे और वो आप क्या है प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर 100% करना पड़ेगा, सीबीएसई की वेबसाइट से जाओ आप ऑफिशियल, वहां सब कुछ कंप्लीट डाटा मिल जाएगा आपको। ये रहता आपका इसका, देखो अब रहती है बारी आपके 120 नंबर कैसे बनेंगे, अब थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्योंकि वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप देखते हो अगर आपके देखो ईवीएस एसएसटी और साइंस, क्योंकि देखो एसएसटी आपकी क्या है ईवीएस और एसएसटी और साइंस, एसएसटी आपकी आएगी 60 नंबर की, ठीक है, आप 60 में से अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो 40 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एसएसटी या एसएसटी पढ़ते हो आप पेपर टू की बता रहा हूं आपको, और साइंस और मैथ पढ़ते हो आप, आपके 40 प्लस नंबर बन ही जाएंगे। आप अब आती है आपकी लैंग्वेज वन एंड टू की, आपके 15-15 नंबर तो आपके क्या है आपके पद्यांश और पैसेज में से आएंगे ही आएंगे, 15-15-30 हो गए आपके 70। अब आती है आपकी क्या है, अब आपके बचते हैं उसमें से 30 नंबर बचते हैं, अब 30 में से आप 15 तो ठीक करो ही लोगे, आप 50% तो कर ही लोगे, इतनी किस्मत आपकी खराब नहीं है, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वालिफाइड के लिए है, ये तो 100 नंबर आप इजिली क्वालिफाइड कर जाओगे अगर प्रीवियस ईयर करना है तो, आपका 40 और 45 हो गए आपके 85। अब आपकी बचती है क्या, आपकी बचती है सीडीपी, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, किसी भी टीचर का पढ़ो, मैं उसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप अच्छे से भी पढ़ते हो तो उसमें से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, तो आप 105 नंबर तो क्या है नॉर्मल पढ़ने पे आप ले रहे हो, नॉर्मल पढ़ने पे आप 105 नंबर ले रहे हो, जो मैंने आपको बताया ये फॉलो करो, जिस दिन आपका एग्जाम हो रिजल्ट हो आप मेरे को मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको यहीं मिलूंगा, कहीं नहीं मैं कहीं भी मैं नहीं जाऊंगा और ना आप कहीं जाओगे, ठीक है। आपके देखो 100 प्लस नंबर तो आपके इजिली बन जाओगे अगर आप पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ लो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ जाता है तो मैं उसको गारंटी देता हूं वो 120 प्लस नंबर लेके आएगा ही आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बच्चा 120 प्लस नंबर लेके आता है तो उसकी मेंटेलिटी सेट हो जाएगी इजिली, अगर वो उसका क्वालिफाई होता है तो उसके बाद उसको डीएसएसबी वगैरह जो भी आपके टीचर के एग्जाम होंगे वहां ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 120 प्लस अगर स्कोर मारोगे तो आपकी नॉलेज क्या है आपकी डेवलप हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई होगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी है अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो।
आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे साथ, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, हम आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। और जैसे आपको तैयारी करनी है वो भी सजेशन में आपको बताना है कि आपको अगर कोई दिक्कत आई है तो आप मेरे को बताओ, हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे आपको कैसे पढ़ना और कैसे आगे बढ़ना है। आप हमारे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जल्दी ही मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय श्री राम।